भाई कहाँ जा रहा? खड़ी थी अभी हाईवे पर, यहाँ पर फोटो शूट होने लगा अपने N160 का। फिलहाल में भाई मैं आपको बता दूँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज, फुल्ली मॉडिफाइड एक बाइक है जो कि अलीगढ़ में खड़ी हुई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फाइनली हमारा 2 वीक के बाद भाई ब्लॉग आ रहा है, और देखें अपनी N160 के साथ आज हम निकल चुके हैं सफर पे, और बैग वैग देखें कितनी कराई में बांधे, और N160 अपने पूरी मॉडिफाई करवा दी है भाई। ये देखें बैग रस्सियों से बांध रखा है, ये हमारा बैग पीठ पे टांगने वाला, और ये देखें N160 का लुक देखें भाई, रिम रेड करा दिया है, ये गोल्डन करा दिया है, पूरा लुक एकदम चेंज करवा दिया है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का नाम लिखवा दिया है यहाँ से हटवा के। तो भाई अब शहर फिरोज़ाबाद में तहलका मचा रखा है अपनी N160 ने इस टाइम तो। और वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं था, तो इसलिए आप सोचें ब्लॉग नहीं आ रहे थे 2 हफ्ते से, तो ऐसा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा बिजी था, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे मेरे, और एग्ज़ाम वगैरह से फारिग हो गया हूँ। तो बाकी अभी हमारे साथ जो हमारे भाई जा रहे थे लॉन्ग ट्रिप का प्लान कर रहे थे हम लोग, तो उनके भी अब एग्ज़ाम आ गए, तो इसलिए हमारी लॉन्ग ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। तो अब जनवरी की लास्ट तक देखो मारते हैं लॉन्ग ट्रिप। और फिलहाल मैं अभी निकलते हैं अपनी N160 साथ, अभी मैं जा रहा हूँ अलीगढ़ अपने दोस्त की भाई शादी में, तो काफ़ी टाइम से उसका फ़ोन आ रहा था, तो मन नहीं बन रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में मन बन चुका है, मैं सोचा ब्लॉग भी बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलिए फिर बाकी बातें करते हैं सफ़र में, तो बने रहे हमारे साथ, आज बहुत मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। ये लो भाई अपनी N160 खड़ी थी अभी हाईवे पर, यहाँ पर फोटो शूट होने लगा अपनी N160 का फिलहाल में तो। क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। भाई आपका? माहराम यादव। क्या? माहराम यादव। माहराम यादव। चले भाई, भाई भी राइड वाइड करने के लिए निकले हैं अपनी डोमिनार से, ब्लू कलर की वो खड़ी हुई है। चलिए फाइनली अभी निकलते हैं हम यहाँ से, उसके बाद देखो अलीगढ़ में क्या होता है। ओ हो 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 हो, तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं अभी आगरा के करीब, और आज तो ट्रैफिक ने यार हद कर दिया है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। जब मैं फिरोज़ाबाद से निकला हूँ और वहाँ भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया जैन मंदिर पे, कम से कम पूरा आधा घंटा वेस्ट हुआ है, और टूंडला के टोल टैक्स पे भी ट्रैफिक मिल गया, और फिर रास्ते में भाई 3-4 लड़के मिल गए थे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है वही 3:10, और हमें निकलना था सुबह 10 बजे, और फिरोजाबाद से भी बस मैं आगरा ही पहुंच पाया हूँ, 3:10 हो गए, 10 बजे से निकलने की सोच रहा था, 11-12 फिर कटिंग वटिंग कराने चला गया, हेयर कट कराने, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और ट्रैफिक ने भाई बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया है आज, पता नहीं क्या इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, ऐसा क्या है पता नहीं है। फिलहाल में भाई अभी हम आ चुके हैं आगरा, और अलीगढ़ के लिए यहाँ से होना है कट, और ट्रैफिक तो भाई आगरा में तो लगता ही लगता है। तो यहाँ से अलीगढ़ 85, लेकिन गूगल मैप में दिखाता है समथिंग 88 के करीब। और भाई मैं आपको बता दूँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज, फुल्ली मॉडिफाइड एक बाइक है जो कि अलीगढ़ में खड़ी हुई है। तो मेरे पास कॉल भी आया था आतिफ भाई का, बोल रहे थे वो आतिफ भाई की बाइक है, तो बोल रहे थे उसको सेल करना है, तो अभी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा। जिसको भी चाहिए भाई वो वाली बाइक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करे, वैसे इंस्टाग्राम पर DM करे तो ज़्यादा बेस्ट है, और थोड़ा आसपास के एरिया की भाई DM करना, अलीगढ़ में बाइक है, अलीगढ़ का ही शायद नंबर है, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, नंबर देखना पड़ेगा कहाँ का है, तो अभी चल के देखते हैं। उसका नाम भी मैं आपको वहीं बताऊँगा अलीगढ़ जाकर। और भाई उस बाइक में पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा हुआ है, साथ में एग्जॉस्ट वगैरह सारा कुछ लगा है, तो आवाज़ भी एकदम तड़ाके वाली है, धड़ वाली, तो बाइक तो बहुत ही गजब है। आज तो यार ऐसा लग रहा है जाने कौन सी मैं गली में अपनी बाइक चला रहा हूँ, हाईवे तो लग ही नहीं रहा है कहीं से, इतनी ज़्यादा भीड़ हाईवे पे, हद हो गई, और सिंगल रोड है एक तो भाई, इसलिए तो और ज़्यादा भीड़, और ये देखें महारानी बीच में, फिलहाल में तो एक डबल रोड आया यार, अभी आगे चल के फिर सिंगल हो जाएगा, ये थोड़ा सा डबल बना दिया उन्होंने, अगर ये बॉर्डर आगे तक खींच दें थोड़ा सा तो कितना बढ़िया रहे अलीगढ़ तक, इस बात का ख्याल ही नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में जब कोहरे वोहरे का टाइम होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने भाई अपनी N160 में भी आगे कैमरा माउंट करने वाला भी लगा दिया है, तो उसे अभी चेक करते हैं आगे चल के, अभी कहीं रुकूँगा तो फिर कैमरा यहाँ पर माउंट करूँगा, और देखते हैं वीडियो कैसी आ रही है,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा यहाँ पर माउंट करने के बाद कैमरा। ब्रेकर, ओ भाई मसासी हो गई यार। इन ब्रेकरों को सफ़ेद पोत देना चाहिए या फिर पूरा या रेड, कुछ ऐसा पोत देना जो दिखे। अच्छा कि काले काले तो दिखते ही नहीं है रोड में, काला रोड काले ब्रेकर, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हैं भैया। वो कर बोलती है गाड़ी, उसके बाद समझ में आता है बिल्कुल उसके पास पहुँच जाओ। तो भाई अभी फ़िलहाल में यहाँ पर एक शॉप दिखी हुई है, बढ़िया लग रही है, तो यहाँ पर रुके हैं और सर्दी सी महसूस हो रही है। तो चाबी मेरी खुल जाओ, तब यहाँ पर कुछ खाते वाते हैं, अपना कैमरा भी यहाँ पर माउंट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे और बैग वैग अपना चेक कर लेते हैं कहीं ज़मीन पे क्या बदला थोड़ा जाइए। फिलहाल में देखो उसका बैग वैग टाइट कर लिया है, ये पूरा ढीला हो गया था एकदम निकलने वाला था, और अपनी N160 का लुक देखें, वहाँ रख दिया अपना GoPro ओप्रो हेलमेट। ये देखिए भाई एकदम कातलाना लगती है, सामने बिक रहे हैं गमले वमले। यहाँ पर अभी भाई चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बाल वाले एकदम चपटे हो गए हेलमेट से तो। ओह चले चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल में देखो अपनी N160 में यहाँ कैमरा माउंट कर दिया है, बाकी अब शॉर्ट्स लेके देखते हैं कैसा सीन आता है। और फिलहाल में देखो ये यहाँ से लुक तो बर्रा दिख रहा है, तो अपनी गाड़ी का लुक तो भाई जहरी है। चलो भाई चलता है तो। ओहो बहुत बढ़िया, लड़के आवाज दे रहे हैं पीछे, ओ भाई भाई कह रहे YouTube वाले भैया। ये आ गए हम लोग शायद हाथरस वाथरस पार करके, यार पता नहीं यार बोर्ड बोर्ड कुछ लग ही नहीं रहते हैं, अजीब वाले किलोमीटर का मुझे एक पत्थर नहीं दिखा अभी तक, हद हो गई। ओ भाई कहाँ जा रहा, हद है भाई, देख रहे हो कहाँ आ रहा है यार, अलग ही लेवल है पूरा भाई, उधर का रोड छोड़ के यहाँ साइड में अजीब ही सीन है सबके साथ, देखो ये भी ऐसी भाई हद हो गई। तो भाई अभी आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, भाई मुझे लगी थी बड़ी देर सूसू और मैं बहुत देर से रुका हुआ था, एक तो सर्दी ऊपर से इतनी तेज आ रही थी क्या ही बताऊँ मैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकलते भाई, सूसू वूसू तो कर लिया, गाड़ी का अपनी लुक देखे भाई, एग्जॉस्ट की आवाज़ सुने, ये लो चले जाए। आ गए हम भाई अलीगढ़, ये देखें अलीगढ़ की शान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाबे सैयद गेट। मेरे मुंह से बाबे ही निकलता है जाने क्यों। तो बस अभी हमारे यहाँ से फ्लैट है तकरीबन 500-600 मीटर दूर, तो चलते हैं सीधा फ्लैट पर। फाइनली आ गए, ये देखे नुक्कड़ भी खड़े भाई, जो गाड़ी हमें कह रहा था सेल करने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी आ चुके अपने अपार्टमेंट में, अपनी गाड़ी खड़ी करते भाई, और ये देखे अपनी गाड़ी को चेक करते, ये देखिए क्या ही लुक है अपनी N160 का यार। ओ तो अभी लॉक करते हैं यहाँ से, बैग वैग खोलते हैं बाद में, पहले आप लोगों को दिखाते हैं भाई बाइक, मैं रुको मोबाइल की लाइट दिखा देता हूँ। ये देखे भाई, ओहो BMW का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पर,
गाड़ी का आगे से लोग चेक कर रहे हो, धूल वूल सनी हुई खड़ी है भाई, बहुत ही किलर गाड़ी है, एकदम बेहतरीन, मेरा दिल है इस पर। और इसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, तो आते भाई सेल करने के लिए कह रहे हैं। देखें इसका साइलेंसर बहुत गजब का है, एकदम बेहतरीन आवाज़ करता है, तड़ाके वाली। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे इसके बारे में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना इंस्टाग्राम पर भाई। तो फाइनली गाइस अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और रूम में आ गए, एकदम बेहतरीन और सुकून और शांति मिली है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा सफ़र रहा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मैं इंस्टाग्राम पर अपनी जो ये बाइक है ना जो सेल कर रहे हैं, इस बाइक का भाई फ़ोटो वोटो साफ़ करवा के इसको डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए और DM करिएगा। और अभी तो अंधेरा हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया आपको, जितनी दिखी है भाई उसी में दिखी है, आप देख सकते हो। बाकी कल सुबह मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दूंगा, तो जाकर इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं स्पीड 24 आवर ब्लॉग, जाइए सर्च करिए और फॉलो करिए भाई को, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप जा सकते हो। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, चेहरे से ही आपको थकान नज़र आ रही होगी, तो बस सोऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है अलीगढ़ में तो फ़िलहाल में। मिलते हैं एक और ऐसे नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अब इंशाल्लाह मैं रोज़ाना ब्लॉग या एक दो दिन के अंदर ब्लॉग डालने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।